गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बगड़िया बाल विद्या निकेतन। इन प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 5। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, चेंजेस अराउंड अस, अपने आसपास या अपनी जो सराउंडिंग्स है वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं, अपनी क्लास की बात कर लेते हैं, है ना। तो क्लास में क्या है, फैंस मूव होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो फैंस होते हैं वो बार बार में क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे वो चलते रहते हैं तो उसकी जो पोजीशन होती है वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहती है। तो ये भी क्या है, जनरल चेंज है। और अपन बात करते हैं तो एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जनरल एग्जाम्पल सीड होता है। सीड का क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, जर्मिनेशन क्या होता है, सीड का मैच्योर हो जाना, सीड का एक प्लांट बना लेना नया, उसको अपन जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सीड होते हैं ग्रेन्स, फार्मर जो होते हैं सीड्स को क्या करते हैं, सॉइल में रोप कर देते हैं, डाल देते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें डालते रहते हैं। तो धीरे धीरे जो सीड होता है वो एक नया प्लांट, छोटा बड़ा देन बहुत बड़ा जो है वो प्लांट बन जाता है ना। तो ये भी क्या है, एक तरह का चेंज है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि मान लीजिए अपन ने देखा है समर्स में कि कोई ग्लास होता है उसमें अपन ने बर्फ ले ली है ना, आइस है ना। तो ड्यू टू हीट टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। समर्स में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होता है तो बिकॉज ऑफ हीटिंग आइस क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। किस में बदल जाती है, आइस वाटर में बदल जाती है। तो ये भी क्या है, एक चेंज है, जनरल चेंज है। या फिर अपन बात करते हैं अपने घर में मम्मा होती है ना, तो मम्मा क्या करती है, आटा होता है उसको गूंथना, डो बन जाता है उसका, है ना। उससे फिर क्या है, उस पर फोर्स लगाते हैं, वो आटे का एक गोला सा बन जाता है, फोर्स लगाते हैं उस पर तो वो क्या बन जाती है, चपाती बन जाती है ना। तो ये भी क्या है, एक जनरल चेंज है। ये भी क्या है, एक जनरल चेंज है। तो ऐसे ही अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। कुछ चेंजेस क्या होते हैं, टेम्प्ररी होते हैं, और कुछ चेंजेस क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड और परमानेंट हो जाते हैं, वो वापस चेंज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जो हैं वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट जो है वो है, एवरीथिंग अराउंड इज अंडरगोइंग चेंज। जो भी अपने चारों तरफ सराउंडिंग में हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इवन दिस टाइम भी कुछ भी चेंजेस हैं अपने चारों तरफ वो हो रहे हैं। ठीक है, चेंजेस इज कंटिन्यूस प्रोसेस। चेंजेस जो होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, चेंजेस जो होते हैं वो रुकते नहीं हैं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस होते रहते हैं। ठीक है, फिर है सम चेंजेस कैन बी रिवर्स एज सम आर कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ चेंजेस होते हैं वो रिवर्स्ड हो जाते हैं और कुछ दे कैन बी रिवर्स। जैसे कि मान लीजिए स्टेट की बात करते हैं अपन, मैटर ऑफ स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस अपन ने पढ़ा था, है ना। जैसे कि मान लीजिए आइस होती है वो सॉलिड फॉर्म होती है ना, वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म होती है, और जो गैस होती है वाटर वेपर जिसको अपन बोलते हैं वो क्या होती है, गैसियस फॉर्म होती है। ठीक है, अब क्या होता है, इन तीनों का ये मैंने बताया था कि इंटरचेंजेबिलिटी होती है, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्टेट। अगर आइस है, आइस को अपन ने क्या किया, हीट किया, है ना, तो क्या बन जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, वाटर बन जाएगी। वाटर को अपन ने क्या किया, और ज़्यादा हीट किया, तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ठीक है, गैस को अपन ने क्या किया, कूल किया, ठंडा किया गैस को, ठीक है, टेम्परेचर गैस का कम किया, तो वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। वाटर को अपन ने और ज़्यादा क्या करा, कूल किया, तो वापस क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो ये इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्टेट है, या फिर इसको रिवर्स चेंज भी कहते हैं, रिवर्सिबल। वापस वाटर से आइस बना सकते हैं, आइस से वाटर बना सकते हैं, गैस बना सकते हैं, गैस को वापस कूल करेंगे तो वाटर बन जाएगा, वाटर को वापस ठंडा करेंगे और तो वो क्या बन जाएगी, आइस। तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज। कुछ चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल थे, जैसे कि मान लीजिए वुड, फायरवुड है, उनका बर्न होना, अगर लकड़ी जल जाती है तो क्या बन जाती है, एसेस। उन एसेस से वापस अपन वुड है वो ऑब्टेन नहीं कर पाते, तो वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। तो सम चेंजेस आर रिवर्स एंड सम चेंजेस आर कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ए चेंज में अकर बाय हीटिंग ए सब्सटेंस और मिक्सिंग इट
कुछ चेंजेस क्या होते हैं, हीट करने से चेंज आते हैं। जैसे अपन अभी बात कर रहे थे कि वाटर को अपन ने क्या किया, गर्म किया, हीट करा, तो वो गैस बन जाएगी, है ना। या फिर कुछ चेंजेस क्या होते हैं, मिक्स करने से चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि वाटर है, उसमें अपन ने शुगर डाल दी, फिर अपन ने उसको डिसॉल्व कर दिया, तो शुगर डिसअपीयर हो गई, ये भी क्या है, चेंज है। ठीक है, इनके अलावा कुछ अदर एग्जाम्पल है जो नेचर में भी होते रहते हैं उनके बारे में। जैसे कि मान लीजिए चेंज इन पोजिशन, ऐसे चेंजेस जो पोजीशन की वजह से होते हैं, जैसे कि सनराइज एंड सेट। अब सनराइज कहाँ होता है, ईस्ट में, सेट कहाँ होता है, वेस्ट में, है ना। तो इधर वो अराइज कर रहा है, इधर सेट हो रहा है, तो पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये भी क्या है, चेंज है। ठीक है, फिर दूसरा है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, जैसे भाई स्काई है, तो एट नाइट स्काई कैसा होता है और एट अ डे वो कैसा होता है, ये भी क्या है, चेंज है। दिन में स्काई का कलर देखते हैं अपन, है ना, ब्लूइश होता है सम, है ना, स्काई ब्लू। और रात में कैसा होता है, डार्किश होता है। तो चेंज इन कलर, स्काई एट नाइट और एट डे। फिर है चेंज इन शेप, लुक एट द मून। शेप की बात करते हैं, तो मून आपने देखा है नाइट में, कभी मून पूरा होता है कंप्लीट, कभी हाफ होता है, कभी उसका क्वार्टर होता है ना। तो ऐसे ऐसे उसकी साइज या शेप जो होती है वो भी चेंज होती रहती है, वो भी एग्जांपल किसका है, चेंजेस। वो भी क्या है, चेंजेस है। चेंज इन साइज, अभी अपन ने बात करी थी कि साइज, जर्मिनेशन होता है जब सीड का, तो छोटा सा सीड होता है, उसको वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर ये मिलते रहते हैं, तो धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू टाइम वो क्या हो जाता है, एक बड़ा प्लांट बन जाता है, बड़ा ट्री बन जाता है। तो ये भी क्या है, चेंज है, सीड जर्मिनेशन, उसकी साइज भी है वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, फिर है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट की बात करते हैं, तो ये रही इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्टेट, वाटर, आइस, गैस, है ना, इनकी क्या हो जाती है, ये रिवर्सिबल चेंज है। आइस से वाटर बन गया, वाटर से वापस गैस बन गई, गैस से वाटर वेपर से वापस क्या बन गया, वाटर, देन वापस आइस। ठीक है, टेम्परेचर। फिर है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कैसे चेंज है, जैसे अभी क्या है, समर्स चल रही है ना, तो समर्स में टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है, विंटर्स में टेम्परेचर लो रहता है। भाई ठंडा फील करते हैं अपन विंटर्स में, और गर्मी जो है समर्स में, अपन गर्मी या कोल्डनेस, जो हॉटनेस होती है उसको फील करते हैं। फिर है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि जो आयरन होता है, लोहा, है ना, उसको अपन सराउंडिंग में छोड़ देते हैं, तो सराउंडिंग में क्या है, एयर है, है ना, एयर उस पर क्या करती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से एयर जो होती है उस पर क्या कर देती है, अपना इफेक्ट, इफेक्ट करेगी, तो जो आयरन होता है उस पर कुछ ना कुछ क्या लग जाता है, ऐसा ब्राउनिश कलर का मटेरियल या कुछ सब्सटेंसेस उस पर आ जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्ट। तो आयरन का जो रस्ट होता है वो भी क्या है, एक चेंज है। तो अपन ने कुछ चेंजेस पढ़े जो अपने सराउंडिंग या नेचुरल जो चेंजेस हैं वो अपन ने पढ़े, और अपन ने ये देखे कि भाई चेंजेस होते क्या हैं, जनरली चेंजेस क्या होते हैं, और कुछ एग्जांपल अपन ने पढ़े। नेक्स्ट जो है अपन ऐसे चेंजेस पढ़ेंगे जो रिवर्सिबल है, ऐसे चेंजेस पढ़ेंगे जो इरिवर्सिबल है, उनके बारे में अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।